हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर हम सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफर फॉर्मेशन रिमेन्स दी सेम और ये ट्रांसफर होने के बाद जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है मतलब ना तो आप एनर्जी बना सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं सो एग्जांपल देख लो इसका इन एन आयरन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रन इट इज हंड्रेड ज्यूअल्स देन दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी एंड द एनर्जी स्टिल रिमेन्स हंड्रेड जूल ओनली इट्स फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड नॉट इट्स अमाउंट सो यहाँ पे एक प्रेस है हमने उसको अब प्रेस को एक ऑब्जेक्ट है हमारा उससे कुछ

अब यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल लेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक्स से इसको समझने की कोशिश करते हैं लेट्स सपोज अ बॉल ऑफ मास वन के जी इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर मीटर फ्रॉम ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी अगर देखो एक बॉल है जिसका मास वन के जी है एंड वो ग्राउंड से फोर मीटर के डिस्टेंस पे ग्राउंड से फोर मीटर की हाइट पे रखा गया है सो so उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मास उसका वन है जी हम सिंपल टेन ले लेते हैं इनटू हाइट पे वो फोर है सो फोर इंटू टेन हैज 40 ज्यूज की उसमें हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वो हाइट पे है कोई भी चीज़ अगर हाइट पे है तो हम कह सकते हैं ना उसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है सो so, उसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी है एज बॉल मूव्स डाउन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज अब जैसे ही वो बॉल जो है जो अभी इस हाइट पे पड़ी हुई थी अब उसने नीचे आना शुरू कर दिया तो जब नीचे बॉल आनी शुरू हुई तो अब जैसे जैसे ग्राउंड के पास आ रही उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी करेक्ट लेकिन अभी हमने पढ़ा एनर्जी को ना तो आप भाई बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो यहाँ पे वो कन्वर्ट में हो रही है देखो बॉल में जैसे ही मूवमेंट आया जब इसमें मूवमेंट आया अभी हमने देखा था किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है तो इट पर काइनेटिक एनर्जी सो इन सिंपल वर्ड जैसे जैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी एड होती रहे जितने टाइम तक वो मोशन में है उसमें काइनेटिक एनर्जी है सो पढ़ लेते हैं एज बॉल मूव डाउन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज बट बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी शुड बी कॉन्स्टेंट इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज तो जैसे जैसे हमारी पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी उसमें बढ़ती जा रही है काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है हाफ हाफ एम वी इसका स्क्वायर इस स्क्वायर है ठीक है एम वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी जीरो अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब वो यहाँ पे रेस्ट पे थी जब इस पोजीशन पे थी वो तो उसकी कुछ भी वो मूवमेंट था नहीं अगर मूवमेंट नहीं है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी सो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी बट एज बॉल मूव डाउनिटी इज इंक्रीजिंग एंड दस काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज पर जैसे ये बॉल नीचे आने लगी जब ये मोशन में आई इसकी विलॉसिटी एड हुई इसमें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है ठीक है नाउ आफ्टर अ टाइम नाउ दस वी वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट सो जब हम इसको

देखो ना जब वो हिट करेगी थोड़ा सा ग्राउंड गर्म हो जाता है कोई चीज ऐसे गिरती है उस पर बहुत कम हीट है ऐसा नहीं तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया हाथ नहीं लगा सकते एंड देर बी साउंड जब कोई चीज ड्रॉप होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा सो वो साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी पढ़ लेते हैं वेन द बॉल फाइनली हिट्स द ग्राउंड इट कम्स टू रेस्ट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर जीरो दोनों ही अब जीरो हो गए पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी फोर्टी ज्यूल इज कन्वर्टेड टू अभी जो फोर्टी ज्यूल काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया अभी हमने निकाला था ना भाई कि 40 जूल ऑफ एनर्जी थी उसमें तो 40 जूल ऑफ पोटेंशियल हमारी कन्वर्ट हुई 40 जूल ऑफ काइनेटिक और अभी ये काइनेटिक इज कन्वर्टेड टू साउंड एंड हीट एनर्जी साउंड इज प्रोड्यूस ऑन हिटिंग एंड ग्राउंड गेट्स अ बिट हीटेड सो इस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया सो आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा लॉ ऑफ सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर अगेन यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बट इन द नेक्स्ट वीडियो आई वेल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय